सब 20,000 रुपीस स्मार्टफोन में आप क्या तलाशते हैं? आप क्या तलाशते हैं अभिषेक? देखिए, एक अच्छा कैमरा होना चाहिए क्योंकि कैमरे का जमाना है। दूसरी चीज, अच्छी बैटरी होनी चाहिए, फास्ट चार्जिंग हो उसमें तो भाई सोने पे सुहागा। तीसरी चीज, अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। पबजी 20,000 खर्च कर रहा हूँ तो पबजी उस पर अच्छे से चलना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवी चीज ये कि ओएस फ्रेगमेंटेशन एंड्रॉयड की सबसे बड़ी परेशानी है। तो अगर ओएस अपडेट्स रेगुलर देने का वादा अगर कोई कंपनी कर रही हो तो वो फोन मेरे लिए टॉप लिस्ट में आ जाएगा। तो फिर क्या नोकिया का 7.2 जो कि लेटेस्ट सब 20,000 रुपीज स्मार्टफोन है, ये सारे अभिषेक के क्राइटेरियाज पूरे करता भी है या नहीं, ये हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। पर इससे पहले हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। और मैं और अभिषेक आपको बताने वाले हैं नोकिया के नए 7.2 के बारे में कि वाकई में ही क्या ये सब 20,000 रुपीज स्मार्टफोन बन सकता है आपका अगला स्मार्टफोन और बन सकता है एक बेहतरीन बजट किंग भी, ये हम बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। अभिषेक, कैसा लगा आपको? देखिए, नोकिया के फ़ोन हमेशा से डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो थोड़े से स्टर्डी माने जाते हैं। वो 1100 की बात कर लो, जो नोकिया 3310 3311 जो था, जो भी 3310 और 3300 जो एकदम लेजेंडरी अपने टफनेस के मामले में माने जाते हैं, और नोकिया के जो HMD ग्लोबल का जो नया अवतार है नोकिया का, इनके फ़ोन्स भी उसी डिज़ाइन फिलॉसफी को अपना के रखते हैं कि फ़ोन रोबस्ट होते हैं, चलते हैं काफ़ी। यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिल रहा है, आगे और पीछे दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास की डिज़ाइन दी गई है, उसका प्रोटेक्शन दिया गया है। दूसरा, इस बार जो अलग लग रहा है नोकिया 7.2 में कि नॉर्मली थोड़े कर्व्ड एजेस होते हैं, यहाँ पर थोड़े से फ्लैट किनारों की तरफ से है जिसके कारण से जो ग्रिप अच्छी मिल रही है तो वो काफ़ी बढ़िया है। दूसरा है जो कलर है, जैसे कि हम लोगों ने अपने लाइव वीडियो के दौरान बताया था कि ग्रीन इज इन, तो ये जो ग्रीन का है, जो ये शेड है, ये काफ़ी अच्छा है। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि मैट फिनिश दी गई है, तो ग्लॉसी पैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट चिपकते हैं लेकिन यहाँ पर उतने आपको फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है ग्लॉसी फिनिश के कारण, तो उस हिसाब से फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक अच्छी चीज़ जो है कि बैक पैनल के ऊपर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, तो जैसे फ़ोन पे जब आप बात करते हैं या इवन फ़ोन हाथ में पकड़ते हैं तो ये जो एक थोड़ा सा एक डिम्पल इसको बोले हैं, इसके ऊपर जिसे कहा जाए ग्रिप अच्छी आपको देता है ये इस तरीके। ओवरऑल फिट एंड फिनिश हाथ में काफ़ी अच्छी है, हाथ में काफ़ी अच्छा है। सो नोकिया ने इस्तेमाल किया है इसमें नॉर्डिक डिज़ाइन। नोकिया बहुत टाइम से बात कर रहा था नॉर्डिक डिज़ाइन की, बट नॉर्डिक डिज़ाइन में यहाँ पे ये है कि इसके अंदर आपको मिलता तो एक पॉलीकार्बोनेट शेल है पर वो एल्युमिनियम से टफर है और लाइटर भी, तो ये फ़ोन लाइट वेट भी काफ़ी है। और पीछे की ओर जो है इन्होंने एडिड प्रोटेक्शन के लिए आपको एक गोरिल्ला ग्लास ऑफर किया है, एंड फ्रंट पे भी आपको नोकिया 7.2 में एक गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलता है। और डिज़ाइन की अगर बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलती है एक डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट की जो कि काफ़ी कम स्मार्टफोन्स में देखने को मिलती है, जो कि सब 20,000 रुपये के होते हैं। आइए बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। इसका डिस्प्ले अभिषेक मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा, और उसका कारण ये था कि ये जो 6.3 इंच का इन्होंने डिस्प्ले ऑफर किया है, एक फुल HD डिस्प्ले तो है ही, व्यूइंग एंगल देखो आप, आपको ऐसे कोने से भी इसके जो है डिटेलिंग, फाइनर डिटेलिंग देखने को मिल रही होगी। टेस्ट करते हैं वो ज़्यादा, हम इस पे कोई भी या आप कोई भी चीज़ें खोलिए इसमें कुछ टेक्स्ट हो और मैं इस एंगल पर बैठकर उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि भाई समझ। ऐप्स पढ़ सकते हैं आप, स्टैंडर्ड पढ़ सकते हैं। सबसे पहले गूगल असिस्टेंट दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर कैलेंडर है, फिर कैमरा है, उसके नीचे जाएं तो कॉन्टैक्ट्स है, ये वाला ऐप फ़ोन का है, ये मैप्स का है, ये तो चलिए टेक्स्ट, अगर आप मुझे टेक्स्ट दिखाइए कि टेक्स्ट पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, उससे बेटर व्यूइंग एंगल का डिस्प्ले का रिव्यू नहीं हो सकता। कोई भी आप रैंडम कुछ भी टेक्स्ट लिख लीजिए, मैं देख पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। तो इसके अलावा इसके डिस्प्ले के बारे में और बता देता हूँ, ऑलवेज ऑन HDR मोड दिया गया है जिसकी मदद से ये आपने लिखा है स्टार्ट ग्रुप कन्वर्सेशन, ऊपर लिखा है अभिषेक इज ऑसम, थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं फोन इस तरीके से है, मैं इस एंगल पर बैठकर इसको पढ़ रहा हूं तो व्यूइंग एंगल काफी बेहतरीन है इसके डिस्प्ले के ऊपर, तो वो एक चीज अच्छी है। इनफैक्ट ब्राइटनेस भी काफी खूबसूरत है इस फोन की, एंड सनलाइट एलिजिबिलिटी भी काफी बेहतरीन दिखती है इसकी, इनडोर हो चाहे आउटडोर हो। एंड अभिषेक बता रहे थे आप ऑलवेज ऑन HDR, इसमें ऑलवेज ऑन HDR क्या होता है?
HDR बोले तो हाई डायनेमिक रेशियो, जिसको अगर मैं लेमैन भाषा में समझाऊं तो हाई डायनेमिक रेशियो से कॉन्ट्रास्ट लेवल जो है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आते हैं, पिक्चर ज़्यादा शार्प नज़र आती है। और इससे होता यह है कि किसी भी अच्छी स्क्रीन का एक मोटा मोटा अगर हमें एक नियम बनाएं, अगर किसी भी डिस्प्ले के ऊपर आप टीवी खरीदें या स्मार्टफोन, अगर ब्लैक रंग उसमें एकदम काला नज़र आ रहा है, ब्लैक बोले तो एब्सोल्यूट ब्लैक नज़र आ रहा है, तो वो स्क्रीन काफ़ी अच्छी है। और HDR यही करता है कि वो जो शार्पनेस है, जो जो कॉन्ट्रास्ट लेवल्स हैं, वो काफ़ी बेहतरीन बना देता है। और इस स्क्रीन में ऑलवेज HDR मोड के कारण होता यह है, ऑलवेज ऑन HDR जो है कि जब आप मूवीज़ देख रहे हो, खासतौर पर एक्शन मूवीज़ अगर आप देख रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, तो वो जो जो पिक्चर है, जो इमेज है, वो उभर के जब आती है उन लेवल्स के कारण, ब्लैक लेवल्स के कारण, तो बेहद खूबसूरत नज़र आती है। आपका जो मज़ा है वो ऑलमोस्ट दुगना हो जाता है। तो चलिए, ये तो बात हुई डिस्प्ले के बारे में। अभिषेक, बात करते हैं लोगों को जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी चाहिए होती है फ्लॉन्ट करने के लिए, शायद वो होती है स्पेक्स। ऑन पेपर आपको नोकिया 7.2 क्या ऑफर करता है? वेल, नोकिया 7.2 में आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का SoC, दो रैम वेरियंट्स में ये फ़ोन अवेलेबल है, एक 4GB रैम में, एक 6GB रैम में। हमारे पास ऑब्वियसली 6GB रैम वाला है, क्योंकि हम हमेशा टॉप एंड फोन्स इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। एंड स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो आपको सिर्फ 64GB की स्टोरेज देखने को मिलती है स्मार्टफोन के अंदर। 128 नहीं दी है नोकिया ने इसमें, शायद उसका कारण ये भी है कि आजकल स्टॉक एंड्रॉयड फोन्स पे आपको गूगल फोटोज में वैसे ही स्टोरेज मिल जाता है, अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाता है, 100GB के ऊपर भी स्टोरेज मिल जाता है। तो क्लाउड बेस्ड अगर आप कंप्यूटिंग करते हैं तो उसके लिए 64GB की स्टोरेज इज मोर देन इनफ। बट अगर आप स्टोरेज बढ़ाना चाहें तो इसमें एक ट्राई कार्ड सेटअप भी दिया गया है, तो यानी आप दो अपने सिम कार्ड डाल सकते हैं और एक माइक्रो SD कार्ड के थ्रू स्टोरेज भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई ऑन पेपर, स्पेसिफिकेशन क्या है? लेकिन सिद्धार्थ, इसमें एंड्रॉयड 1 प्लेटफॉर्म के ऊपर चलता है ये फोन, और इसमें एंड्रॉयड 1 की खासियत ये होती है कि गूगल वादा करता है, गारंटी देता है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स फोन लॉन्च होने के 2 साल तक आपको इन डिवाइसेस के ऊपर गूगल के OS अपडेट्स और सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और OS फ्रेगमेंटेशन एंड्रॉयड का सबसे बड़ा, जिसे कहा जाए, पेन पॉइंट है, अगर आप पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो, वो इसके साथ नहीं आएगा, एंड्रॉयड 1 प्लेटफॉर्म पर चलता है। सो यू थिंक नोकिया हैज क्रैक्ड इट इन अ बिट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसके कारण से, देखिए, नोकिया को हम सब लोग गालियां देते थे, जो नंबर 1 के ताज उसके सर से छिन गया, वो इसीलिए क्योंकि वो वक्त पे उसने एंड्रॉयड का दामन उसने नहीं थामा। इस कारण से नोकिया अपने उस सिंहासन से उसे हाथ धोना पड़ा, गेम ऑफ फोन्स में वो हार गया। लेकिन यहाँ पर एंड्रॉयड 1 प्लेटफॉर्म के साथ जो नोकिया के जो लेटेस्ट डिवाइसेज आ रहे हैं, उसके कारण से वो एक गेम चेंजर साबित होगा। रीज़न ये है कि वो गलती जो उसने पहले की थी वो अब नहीं दोहरा रहा है। तो एक तरीके से दे रहा है दुरुस्त है। दूसरी चीज़ जो आपने बोली कि भाई इसमें 660 स्नैपड्रैगन दिया गया है, अब जो जिसे कहा जाए ना, जो स्पेक हंग्री जो ऑडियंस हैं, जिनको सिर्फ कागज़ के ऊपर क्या स्पेसिफिकेशंस दिख रहे हैं उसके ऊपर वो उसी के ऊपर फ़ोन डिसाइड या करते हैं कि लेना है कि नहीं लेना है, तो वहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आप ये पकड़ के चलें कि यहाँ पर एंड्रॉयड 1 होने के कारण प्रोसेसर क्या दिया हुआ है, रैम कितने GB है, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच की जो शादी है, जो मैरिज है, वो एंड्रॉयड 1 के कारण एकदम सीमलेस, एकदम स्मूथ रहेगी, तो परफॉर्मेंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप हाई एंड गेम भी इस पर चलाना चाहेंगे तो वो भी अच्छे से चलेंगे, क्योंकि गूगल उसे सपोर्ट कर रहा है, उसने वो पूरा प्लेटफॉर्म इस तरीके से डिजाइन किया हुआ। एंड इनफैक्ट ऐसी बात नहीं है, नोकिया इसमें चाहता तो एक 855 SoC भी डाल देता, पर क्या आप उसके लिए 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देते? शायद नहीं देते, क्योंकि आज की डेट में लोग ढूंढ रहे हैं 20,000 रुपये के नीचे एक दमदार स्मार्टफोन। कई सारी चाइनीज कंपनीज ऑफर भी करती हैं वैसे दमदार फ़ोन, बट वाकई में एक लॉन्ग लास्टिंग फ़ोन ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता, एंड आई थिंक नोकिया उस एरिया में काफ़ी अच्छे से फिट करता है। चलिए, अब बात करते हैं अभिषेक आपके अगले पॉइंट की, जो कि है कैमरा। कैमरा आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है अंडर 20,000 रुपीज़ स्मार्टफोन में, तो 7.2 क्या ऑफर कर रहा है ये भी बता देते हैं। ठीक है, कैमरा के मामले में यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है, इसके अलावा एक डेप्थ कैमरा दिया गया है, और साथ में एक दिया गया है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो 117 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के हिसाब से आपको दिखाता है, जो ऑलमोस्ट GoPro जैसा है, और काफ़ी अच्छे आप लैंडस्केप शॉट्स इसके कैमरे के साथ ले सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जो ज़रूरी है सिद्धार्थ, कि
48 मेगापिक्सल साल 2019 में बहुत ज्यादा फैशन में है, शाओमी से लेकर ओप्पो से लेकर सब सब 64 मेगापिक्सल, हाँ 64 भी आ गया है, लेकिन 48 मेगापिक्सल मतलब द न्यू 5 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल। लेकिन यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि नोकिया अपने जाइस ऑप्टिक्स के साथ जो कैमरा के इसमें काम कर रहा है, आज से 10 साल पहले नोकिया प्योर व्यू 1020 आपको याद होगा, वो फोन 42 मेगापिक्सल वाला कैमरा फोन नोकिया ने 10 साल पहले लॉन्च कर दिया था, उस तारीख में जब कोई कंपनी 8 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल से ज्यादा सोच भी नहीं पा रही थी। तो 10 साल पुराने इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, और साथ में कार्ल ज़ाइस जो ज़ाइस ऑप्टिक्स जो हैं उनके बारे में तो मैं क्या बोलूं, काफ़ी बाइनोकुलर से लेकर जिसे कहा जाए दूरबीन स्पेक्स में लेंसेज में काम में आता है, माइक्रोस्कोप के लेंसेज जो बनते हैं वो ज़ाइस उसमें काफ़ी बड़ा प्लेयर है। सो व्हेन इट कम्स टू कैमरा, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर एआई मैजिक होना ही ज़रूरी नहीं होता, एक सेंसर मैजिक होना ही ज़रूरी नहीं होता, ऑप्टिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और नोकिया शायद यहाँ पे तीनों चीज़ों को एक तरीके से मर्ज कर रहा है। एक शानदार आपको एआई इनेबल्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू कैमरा देखने को इसमें मिलता है, ऑप्टिक्स इसमें बेहतरीन है, सेंसर काफ़ी बेहतरीन दिया है, एंड वो शो ऑफ करने के लिए 48 मेगापिक्सल कैपेबिलिटी भी ऑफर की है नोकिया ने ऑन द 7.2। देखिए सिद्धार्थ, अगर 48 मेगापिक्सल इसका कैमरा नहीं भी होता तब भी इन ऑप्टिक्स के कारण जो आपको इमेजेस देखने को मिलती हैं, जो आउटपुट देखने को मिलता है वो माइंड ब्लोइंग है। इनफैक्ट इसके एज डिटेक्शन भी काफी खूबसूरत है, एंड बुके इफेक्ट में हमें फोटोज खींचने में काफी मजा आया है। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो इसका ड्यू ड्रॉप नॉच डिजाइन में आपको देखने को मिलता है एक 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, तो आपकी लो लाइट इमेजिंग हो जाए, लो लाइट सेल्फीज हो, वो भी ये काफी बेहतरीन तरीके से खींचता है। एंड ओवरऑल अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करूं या कैमरा प्रोवेस की बात करूं, मैं तो काफी संतुष्ट था। इनफैक्ट काफी सारे चाइनीज स्मार्टफोन से के मुकाबले भी मैं काफ़ी संतुष्ट था इसके कैमरा कैपेबिलिटीज़ के लिए। तो वो लोग जो इतने टाइम से बोल रहे थे कि नोकिया फ़ोन तो अच्छे बना रहा है पर कैमरा में कुछ इतना खास नहीं देखने को मिल रहा है, ये आंसर है एक तरीके से उस चीज़ का। तो चलिए अभिषेक लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि होती है बैटरी। नोकिया ने इसमें एक 3500 मिली एम्पीयर की बैटरी डाली है विद फास्ट चार्जिंग, क्या आपको लगता है वो लास्ट की हमारे लिए? इसमें आप ये देखो, नोकिया का इतिहास रहा है अच्छी बैटरी वाले फ़ोन बनाए रखने का। इवन जब वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनका बीच में एक छोटे वक्त के लिए उनके फ़ोन आते थे, वो भी फ़ोन बैटरी के मामले में अच्छे माने जाते थे, भले ही उनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो विंडोज़ किस पे चलते थे कैसा था उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन तब भी बैटरी के मामले में कोई तकलीफ़ नहीं थी। और ये जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं नोकिया के, जिसमें 7.2 भी आता है, बैटरी के मामले में आपको शिकायत नहीं देगा। ये 3500 मिली एम्पेयर आर की बैटरी आप कंपेयर कर सकते हो किसी भी शाओमी के फ़ोन के 4200 मिली एम्पेयर आर के बैटरी के से बेटर परफॉर्म करेगी इसकी 3500, ज़्यादा ही लास्ट कर जाएगी आपको। एंड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी ऑफर करता है नोकिया ऑन द 7.2। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, क्या आप संतुष्ट हैं, क्या आप खरीद रहे हैं? जिस प्राइस पर यह बिक रहा है तो मैं उस हिसाब से इसको ख़रीदना चाहूँगा, एंड्रॉयड वन प्लेटफॉर्म। और जो मेरे को जो सबसे बेस्ट चीज़ लग रही है इसमें, एक तो डिस्प्ले, जो मेरे लिए एक चीज़ होगी कि मैं इस फ़ोन के ऊपर ऑलमोस्ट 20,000 रुपये खर्च करूँ, एक तो इसका एंड्रॉयड वन प्लेटफॉर्म के साथ आना, दूसरा जो इसका जो डिस्प्ले दिया गया है वो काफ़ी बेहतरीन है, और मैं चूँकि गेमिंग काफ़ी करता हूँ और नेटफ्लिक्स के ऊपर बिंज वॉचिंग काफ़ी करता हूँ, तो उस हिसाब से इसका डिस्प्ले और इसका जो एंड्रॉयड वन प्लेटफॉर्म है, इन दो फीचर्स के कारण मैं ये फ़ोन बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। इनफैक्ट फॉर मी नोकिया 7.2 स्टैंड्स आउट इन फॉर द डिस्प्ले, एंड ऑफकोर्स इसका जो ज़ीस ऑप्टिक्स इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसका जो कैमरा है वाकई में काफ़ी खूबसूरत इमेजेस खींचता है, इनफैक्ट लो लाइट परफॉर्मेंस भी इसका काफ़ी बेहतरीन है। तो ओवरऑल मैं तो देना चाहूँगा नोकिया 7.2 को एक बिग थम्स अप, आपकी तरफ से कैसा है? डबल थम्स अप फ्रॉम अभिषेक। सो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि अगर आप सब 20,000 रुपये एक स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं जो आपको लॉन्ग लास्ट करे, आपको रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स दे ऑन एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड अपडेट्स भी, क्योंकि इसमें भी बहुत जल्द आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिलने वाला है, तो आप डेफिनेटली नोकिया 7.2 को कंसिडर कर सकते हैं अंडर सब 20,000 रुपये। बिल्कुल, मतलब इस नवरात्र में ख़रीदने के लिए अगर 20,000 रुपये का बजट है अपने लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, मम्मी पापा के लिए, तो नोकिया का भरोसा मेरे हिसाब से ज़्यादा सेफ बेट रहेगा। तो चलिए मेरी तरफ से और अभिषेक की तरफ से, दोनों की तरफ से एक बिग थम्स अप है टू द नोकिया 7.2 यहाँ पर ऑन जागरण हाईटेक।
कैसा लगा आपको हमारा ये नोकिया 7.2 का रिव्यू, हमें बताएं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अभिषेक को फॉलो करने के लिए गो टू द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल हिज हैंडल्स ओवर देयर। तो आप अभिषेक को भी फॉलो कर सकते हैं, ये काफ़ी बहुत सारे अमेजिंग टेक ज्ञान वाले, एकदम ज्ञान से भरपूर वाले वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, तो उनको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऑफ कोर्स उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें जो एक सब 20,000 रुपी पोटेंट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं अपनी नेक्स्ट परचेज के लिए, स्पेशली अराउंड द फेस्टिव सीजन। और साथ में उन लोगों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए कि अगर आपने अपनी लाइफ में कोई भी नोकिया का फ़ोन इस्तेमाल किया है या नोकिया के साथ अपनी पुरानी यादें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर दीजिए। और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए अगर जिन लोगों ने नोकिया के साथ जिनकी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम ऐसे ही बहुत सारे टेक रिव्यूज एंड कार रिव्यूज आपके लिए लेके आएंगे ऑन जागरण हाईटेक, पर उसके लिए आपको ये चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वो बेल आइकन भी जरूर दबाना पड़ेगा।